हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आर्टिस्ट जावेद मलिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फिर से मैं आप लोगों के सामने, जिसमें कि मैं आज कोई ड्राइंग नहीं करने वाला हूँ। मैं आज फिक्सेटिव के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप फिक्सेटिव का क्या यूज़ होता है ड्राइंग पर, हम क्यों फिक्सेटिव को यूज़ करते हैं, हमें उससे क्या फ़ायदा होता है, वो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो गाइज, आप फिक्सेटिव का यूज़ किन किन ड्राइंग पर कर सकते हैं तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई आपका ऐसा मीडियम है जिस पे कि आपका हाथ लगाने से कलर छूट रहा है, जैसे कि चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल या ऑयल पेस्टल कलर में भी आप देखेंगे तो हाथ लगाने से वो कलर छूट जाता है, तो अगर आप ऑयल पेस्टल पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो होता है फिक्सेटिव करना, वो जो है चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल पे जो है ज़्यादा यूज़ होता है उसका। सो गाइस, इसी तरह से मैं आज 5 ड्राइंग लेकर आया हूँ अपनी, जिसमें कि एक ऑयल पेस्टल कलर में है और 2 ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल में है, और 2 जिसमें कि 2 पोर्ट्रेट हैं उसमें भी मैंने ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ किया हुआ है। आप अगर फिक्सेटिव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप देख पाएंगे कि किस तरह से फिक्सेटिव का यूज़ करना होता है ड्राइंग पर। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। अगर गाइस आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी 5 ड्राइंग हैं, इन पर मैं आज फिक्सेटिव करने वाला हूँ, जिसमें कि मेरी 2 एनिमल स्टडी हैं और 1 बर्ड स्टडी है और 2 पोर्ट्रेट हैं, इन पर मैं फिक्सेटिव करने वाला हूँ। गाइस देख सकते हैं आप, अगर आप फिक्सेटिव नहीं करते हैं तो कैसे ये पेपर पर छप जाता है दूसरी तरफ, तो देख सकते हैं जैसे विराट कोहली का पोर्ट्रेट है ये, तो इसमें ये यहाँ पे दूसरे पेज पर छप गया है। सो गाइस, अगर फिक्सेटिव कर देंगे हम, उसके बाद ये ऐसा नहीं होगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं छपेगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा फिक्सेटिव है, मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया था, ये 250 रुपये का मिला है। सो गाइस, देख सकते हैं आप भी, ये है फिक्सेटिव, और देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें पेस्टल और चारकोल एंड पेंसिल, इन मीडियम पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐसे मीडियम होते हैं जो कि हाथ लगाने से छूट जाते हैं। सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिक्सेटिव करना। इसे थोड़ा लगाने से पहले हिला लेते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देख सकते हैं हमने कर लिया है फिक्सेटिव। ये ऑयल पेस्टल कलर था तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि ये हाथ लगाने से ज़्यादा छूटता नहीं है, तो मैं अगले जो ड्राइंग पर करूँगा, मैं अगली ड्राइंग पर उसमें मैं दिखाऊँगा आपको छुटाकर, और फिर फिक्सेटिव करने के बाद दिखाऊँगा कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं छूटता है उसके बाद। तो चलिए दूसरी ड्राइंग पर कर लेते हैं, दूसरी ड्राइंग पर फिक्सेटिव करना स्टार्ट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से ये छूट जाता है, ये फिक्सेटिव से पहले दिखा देता हूँ मैं, ये देखना आप, उंगली पर लग रहा है। तो अब फिक्सेटिव करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, फिर बिल्कुल नहीं छूटेगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, अब बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये देख सकते हैं मेरी उंगली, ये वाली एकदम साफ है, और मैं अब छुटा कर दिखाता हूँ आपको, अब भी साफ है, अभी बिल्कुल नहीं छूट रहा है। मैं यहाँ पर चारकोल से किया था तो मैं ये दिखा देता हूँ अभी, ये भी नहीं छूट रहा, देख सकते हैं आप भी, ये छूट नहीं रहा।
अब आपकी ड्राइंग सेफ है। तो चलिए गाइस तीसरी ड्राइंग पर स्टार्ट करते हैं फिक्सेटिव। आप देख सकते हैं इसमें भी ये छूट रहा है अभी, और फिक्सेटिव के बाद में बिल्कुल नहीं छूटेगा। वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, फिक्सेटिव से पहले ही छूट रहा था और आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं छूट रहा है। तो ये हमारी तीसरी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है, तो चलते हैं अगली पे। सो गाइस अब करते हैं चौथी ड्राइंग पर। देख सकते हैं इसमें भी ये जो है मैंने बैकग्राउंड इसमें चारकोल से किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप भी, ये चारकोल से नहीं है, ये पेंसिल से किया हुआ है, क्योंकि चारकोल में जो है चमक नहीं होती है, पेंसिल में ये देख रहे होंगे आप यहाँ लाइट दिख रही है आपको, तो वो उससे पता लग जाता है चारकोल है या पेंसिल है। तो देख सकते हैं आप भी कितना ज़्यादा छूट रहा है, और फिक्सेटिव के बाद में दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये फिक्सेटिव हो गया हमारा। अब दिखा देता हूँ मैं जहाँ से पहले छूट रहा था वहीं से दिखा देता हूँ, अब बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये देखना और देख सकते हैं आप, ये देखो अब बिल्कुल नहीं छूट रहा है। तो गाइस ऐसे ही आप भी अपने ड्राइंग पर फिक्सेटिव कर सकते हैं। तो हमारी ये चौथी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है, अब लास्ट ड्राइंग बची है विराट कोहली की, उस पर करते हैं अब। तो गाइस पांचवी ड्राइंग पर स्टार्ट करते हैं फिक्सेटिव करना, और ये जो है विराट कोहली की ड्राइंग, इस पर देखना ये ऐसा हो जाता है अगर हम फिक्सेटिव नहीं करते हैं तो ये जो है दूसरे पेपर पर लग जाता है, तो हम जो है इस पर फिक्सेटिव कर देते हैं फिर ये नहीं लगेगा। ये हमारी पांचों ड्राइंग हो गई हैं कंप्लीट। अब मैं दिखा देता हूँ आपको छुटा कर, ये अभी तो गीला है लेकिन अब भी देख सकते हैं आप बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये तो उंगली पे पहले से ही लगा हुआ है। इस पर दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब ये ड्राइंग आपकी सेफ है, अब आप बिना पेपर के इसको रख सकते हैं। सो गाइस अगर आप ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो नेचर स्टडी हो या एनिमल स्टडी हो या बर्ड स्टडी हो या स्केच हो किसी का या पोर्ट्रेट हो, जो भी अगर आप देखना चाहते हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।